हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रोल ऑफ न्यूट्रिएंट इन डेयरी कैटल। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको एक ही बार में अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। विशेष रूप से डेयरी एनिमल्स एंड मिल्क प्रोडक्शन के प्रोडक्टिव फंक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाले महत्वपूर्ण कारक है फीडिंग। जो खाना पशु खाते हैं वह डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट रिलीज करता है जो मिल्क सिंथेसिस में काम आता है। अगर हम मिल्क में मैक्सिमम न्यूट्रिएंट चाहते हैं तो हमें राशन भी न्यूट्रिएंट से भरपूर देना होगा। इसीलिए दूध के मैक्सिमम आउटपुट के लिए पशु को एक संतुलित राशन प्रदान करना चाहिए। इस चैप्टर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कैटल, न्यूट्रिएंट्स का रोल और न्यूट्रिटिव वैल्यू को डिस्कस करेंगे। चलिए नीचे हम देखते हैं हमारे डाइजेशन ऑफ द रूमिनेंट्स का डायग्राम की ओर। सबसे पहले जो ऐसा हमारा माउथ है वैसा ही इनका भी माउथ है। देन सलाइवरी ग्लैंड्स, देन ईजोफेगस, देन आता है ओमेसम, देन ऊपर रूमेन है, फिर यहाँ रेटिकुलम है, देन ड्यूडेनम, देन लेवो, देन दिस इज कैशियम, देन ईलियम, देन कॉलन एंड रेक्टम, एंड लास्ट में एनस। ओके, रूमेन का सबसे पहले बात करें तो गाय के रूमेन में माइक्रोबियल फर्मेंटेशन होता है। ईजोफेगस से खाना रूमेन में जाता है जो कि फोर पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिनमें से एक डोर्सल, एक वेंट्रल और टू पोस्टीरियल सैक्स हैं। रूमेन के अंदर खाना रोटेटरी फैशन में घूमता है मस्कुलर बैंड में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। इससे खाना रूमेन फ्लूइड से अच्छे से मिक्स हो जाता है। रूमेन न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन का मेजर एरिया होता है। फिंगर लाइक पैपिली सरफेस एरिया बढ़ाने में काम आते हैं जिससे अल्टीमेटली अब्सॉर्प्शन बढ़ जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह से लाभ पहुँचाते हैं। पहला, एनिमल्स द्वारा खाया गया खाना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। दूसरा, रूमेन का टेम्परेचर 38 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि के लिए आइडल है और वे इसे पनपते हैं जैसे कि एक इनक्यूबेटर में उगाए जाते हैं। इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में रूमिनेंट्स एंड नॉन रूमिनेंट्स में, उसका बात करते हैं। फर्स्ट है, सेल्युलोज यूटिलाइज हो जाता है रूमिनेंट्स में। ओके, दूसरा, डाइजेशन ज़्यादातर माइक्रोबियल होता है। और तीसरा, एंड प्रोडक्ट जनरली वोलेटाइल फैटी एसिड होते हैं जैसे एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड और ना कि ग्लूकोज होता है नॉन रूमिनेंट जैसे। बैक्टीरिया प्रोटीन को अमोनिया एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ज़्यादातर एनिमल्स की प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन्हें माइक्रोबियल प्रोटीन से पूरी होती है। इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म रूमेन से लोअर स्टमक और इंटेस्टाइन में चले जाते हैं जहाँ इन माइक्रोबियल प्रोटीन का डाइजेशन वैसे ही होता है जैसे नॉन रूमिनेंट्स में होता है। बी कॉम्प्लेक्स वाले विटामिन नॉन रूमिनेंट्स के लिए एसेंशियल हैं, पर रूमिनेंट्स में रूमेन माइक्रोफ्लोरा इसे सफिशेंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर देता है जिससे सारे डाइट्री नीड्स पूरे हो जाते हैं। रेटिकुलम हनीकॉम जैसा दिखता है और रूमेन एंड रेटिकुलम को कन्वर्ट कर देता है। ओमेसम बहुत सारे मस्कुलर लेयर की वजह से ये बुक जैसा दिखता है। वाटर एंड फैटी एसिड यहाँ पे अब्सॉर्ब होते हैं। अब ओमेसम यह ट्रू स्टमक भी कहलाता है। इस ऑर्गन के आगे रूमिनेंट्स एंड नॉन रूमिनेंट्स का डाइजेशन सेम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रेटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट ज्वाइन होते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का अब्सॉर्प्शन होता है। अगर हम रोल ऑफ न्यूट्रिएंट इन डेयरी एनिमल का बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ एक डेफिनेशन दे रखा है मॉरिसन के थ्रू। चलिए इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एनी फूड कंस्टिट्यूएंट और ग्रुप ऑफ फूड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेम जनरल केमिकल कंपोजिशन दैट एड्स इन द सपोर्ट ऑफ लाइफ। हिंदी मीडियम वाले के लिए भी मैं हिंदी में बता देती हूँ। पोषक तत्व वह पदार्थ हैं जो शरीर के समृद्धि करते हैं। यह उत्कों का निर्माण और उनकी मरम्मत करते हैं। यह शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं और यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, वाटर का इसके आगे देखते हैं तो 60% बॉडी वाटर से ही बनी होती है और वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहलाता है। वाटर बहुत कम टेम्परेचर में चेंज लाकर बहुत ज़्यादा हीट को भी अब्सॉर्ब कर लेता है और यह पीएच मेंटेन रखने में भी काम आता है। अडल्ट कैटल को 3.5 से 5.5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है जबकि काव्स को 6.5 लीटर पर केजी डीएम ज़रूरत होती है।
कार्बोहाइड्रेट्स का बात करें तो 50-80% प्लांट्स का ड्राई मैटर कार्बोहाइड्रेट से बना होता है जिससे एनिमल कंज्यूम कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में शुगर, स्टार्च, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, गम्स एक्सेट्रा आते हैं। ये सब हमने बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में भी देखा था। सेलुलोज को कोई एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर सकती है एनिमल्स में, सेलुलोज का फर्मेंटेशन होता है। ओके, फैट का अगर बात करते हैं तो एक फैट मॉलिक्यूल में 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल से जुड़े होते हैं। यह 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। यह ऑक्सीडेशन में 1.25 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं कार्बोहाइड्रेट की बजाय। और तो और विटामिन ए के अब्जॉर्प्शन में भी फैट हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट जिसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी दे रखा है उसको पूफा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रोटीन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोटीन एनर्जी के साथ साथ सेल वॉल और मेम्ब्रेन में भी काम आता है। इसके कई फंक्शन होते हैं जैसे न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ऑस्मोटिक प्रेशर, इम्यूनिटी एक्सेट्रा। प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं जो 2 टाइप्स के होते हैं, एसेंशियल जैसे कि आर्जिनिन, हिस्टाडिन, और जो मतलब बॉडी खुद सिंथेसिस कर सकती है उन्हें एसेंशियल कहते हैं। मिनरल्स की बात करें तो एनिमल बॉडी में 3-5% तक मिनरल्स होते हैं, और मिनरल्स भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होते हैं मेजर एलिमेंट्स जिसकी डाइट्री रिक्वायरमेंट 0.010% से ज़्यादा होती है, यानी 100 ppm, और दूसरे जो होते हैं इसमें फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम ये सब आता है। दूसरे होते हैं ट्रेस एलिमेंट्स जिसकी डाइट्री रिक्वायरमेंट 100 ppm से कम होती है, जिसमें आते हैं आयरन, जिंक, कोबाल्ट, ठीक है, और इन आयोडीन जो हमारे हार्मोन थायरोक्सिन में भी हेल्प करता है। ठीक है, विटामिन्स का बात करते हैं तो विटामिन्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है फैट सॉल्यूबल, एक होता है वाटर सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल में आते हैं जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3 और विटामिन सी, है ना। और इसके अलावा जो फैट सॉल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो होते हैं ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ओके, के सभी को पता है कि ब्लड कोगुलेशन में इन्वॉल्व होता है, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। आई एम श्योर कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।